मित्रों जय श्री राम। पूजा पाठ तो हम सब करते हैं, हिंदू धर्म में हो या किसी भी धर्म में हो, किसी भी मजहब में हो, आप अपने मजहब के हिसाब से पूजा पाठ करते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आपकी पूजा या प्रार्थना अनसुनी क्यों हो जाती है? मित्रों सबसे पहले तो आपको बताऊं कि प्रार्थना कहते किसको हैं। तंत्र मंत्र जप ध्यान कीर्तन भजन यह सब प्रार्थना में आते हैं, और इन सब को करने के उपरांत आपको ईश्वर से अपने मन की बात कहनी है, इसी को प्रार्थना कहते हैं। आपकी प्रार्थना अनसुनी क्यों होती है? सबसे पहले इन चीजों पर बात करते हैं। मित्रों प्रार्थना अनसुनी इसलिए होती है क्योंकि हमारा आहार भोजन और व्यवहार नियंत्रित नहीं रहता। आहार और व्यवहार को नियंत्रण में रखें। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता उसकी पूजा उसका प्रार्थना स्वीकार नहीं होता। तो माता पिता का सम्मान करें। जो इंसान गाय को कभी भोजन नहीं कराता, स्वान को कभी भोजन नहीं कराता, उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं होती। तो स्वान को गाय को और कौए को जरूर खिलाएं। यदि प्रार्थना करने से आपके स्वयं का नुकसान हो रहा हो तो उस प्रार्थना को बंद कर दें। इसके अलावा अतार्किक प्रार्थना कभी ना करें। ऐसी कोई चीज़ प्रभु से ना मांगें जो अतार्किक हो, जो सुनने में स्वयं को खराब लगे या सुनने में किसी घर के किसी और सदस्य को खराब लगे, ऐसी प्रार्थना प्रभु से मत कीजिए। कभी किसी का बुरा सोचिए मत। मित्रों किसी का बुरा मत सोचिए, दंड देने का काम परमात्मा का है, आप दंड देने वाले कोई नहीं होते। तो इन चीज़ों से हमारी प्रार्थना जो है वो अनसुनी रह जाती है। हमारी प्रार्थना स्वीकार हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि सरल और साफ तरीके से प्रार्थना करना है, शुद्धता के साथ प्रार्थना करना है, शांत वातावरण में प्रार्थना करना है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना प्रभु तक पहुँचे तो आप किसी भी समय प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन मध्य रात्रि में किया गया प्रार्थना जल्दी स्वीकार्य होता है। तो हो सके तो मध्य रात्रि में प्रार्थना कीजिए स्नान ध्यान करके। रोज एक ही समय पर प्रार्थना करिए। समय कभी 9 बजे कभी 10 बजे कभी 12 बजे प्रार्थना मत कीजिए। दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक प्रभु को विश्राम करने दीजिए, कोई प्रार्थना मत करिए। अगर कोई इमरजेंसी हो तो अलग बात है। दूसरे के नुकसान के लिए आप प्रार्थना नहीं करेंगे, जैसा मैंने बताया अतार्किक प्रार्थना नहीं करेंगे। और अगर आप प्रार्थना किसी और के लिए कर रहे हैं, अगर आप किसी और के लिए पूजा कर रहे हैं, तो पहले स्वयं सिद्ध हों, आपकी प्रार्थनाओं में इतनी ताकत लाइए, उसके बाद दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए, वरना आपका नुकसान होगा। ईश्वर से अपने दिल की बात कहिए, बहुत सरल तरीके से कहिए, जिस भाषा में आप बात कर सकते हैं उस भाषा में कहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप संस्कृत में ही कहिए। कभी कुछ मांगिए मत परमात्मा से। अगर आप कुछ मांगते हैं तो आप उनके अंतर्यामी होने को चैलेंज करते हैं। परमात्मा स्वयं जान जाते हैं कि आप उनके पास क्यों आए हैं। तो मांग कर उन्हें शर्मिंदा ना करिए, वो स्वयं आपको दे देंगे। जब आप फर्ज कीजिए कि मान लीजिए कि आपके नौकर, आपके घर में कोई नौकर है, उसकी बिटिया की शादी है, आपने स्वयं सोच रखा है कि उसकी बिटिया की शादी में आप बहुत मदद करेंगे, और वो आपसे जब मांगता है आकर, तो आपको थोड़ा बुरा लगता है कि मैंने स्वयं सोचा हुआ था कि मैं करूँगा। तो इसी तरह जैसा हम रहते हैं वैसे ही परमात्मा को सोचिए। तंत्र मंत्र ध्यान जप पूजा पाठ सब कीजिए। किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में करिए तो प्रार्थना जल्दी स्वीकार होगी। करके देखिए, आशा करता हूँ आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी, प्रभु आप पे कृपा करेंगे। जय सियाराम।